बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे को देख सरकार की अपडेट गाइडलाइन जारी। वर्ष 2022-23 के डीपीसी प्रारूप को मंजूरी, जिला विकास के लिए मांगे 955 करोड़। आज से ओपीडी का बहिष्कार, रेजिडेंट डॉक्टरों ने डीन को भेजा पत्र, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेगी जारी। 8 वर्षीय बालिका से किया दुष्कर्म, 70 वर्षीय वृद्ध और युवक गिरफ्तार। शहर में दिन में भी बढ़ गई ठंड, अधिकतम तापमान भी गिरा। अम्बाजरी उद्यान पर डीपीसी में हंगामा, विकास ठाकरे ने पार्टी पर लगाए आरोप तो भाजपा विधायक भी भड़के। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना हो रहा सफर, एसटी महामंडल ने नहीं निकाला कोई आदेश। राज्य के हर जिले में होगा साइबर पुलिस स्टेशन, नए वर्ष में सजा दर बढ़ाने पर भी जोर, राज्य गृह मंत्री ने दी जानकारी। सरकारी राशन की कालाबाजारी, दो को किया गिरफ्तार, 8 लाख का माल जब्त। एमआरडीसी पुलिस के हाथ लगे वाहन चोर, चोरी की 5 गाड़ियां जब्त। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।